देश के कई राज्यों में कोरोना के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार के द्वारा जो राज्यों को निर्देश दिए गए हैं, कई राज्य सरकार ने त्योहारों के मौसम में फिर से संक्रमण की रफ्तार न पकड़े इसको लेकर सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। राज्य सरकारें कोरोना से बचाव को लेकर दोबारा से कोविड गाइडलाइन को जारी कर रही हैं। गौरतलब है कि केरल और महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रहे हैं कोरोना संक्रमितों के केस ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में कई त्योहार, ऐसे में कई राज्यों ने सतर्कता बरतते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले हर यात्रियों के लिए कोविड 19 टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र ने भी कुछ सख्त नियमों को प्रदेश में लागू किया है। इनमें सबसे प्रमुख हैं, दूसरे राज्यों के यात्रियों को महाराष्ट्र में प्रवेश करने से पहले कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है। दूसरे राज्य से आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाना होगा। ये रिपोर्ट सिर्फ महाराष्ट्र में प्रवेश करते समय से 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। केरल में पिछले कुछ दिनों से देश के अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कोरोना संक्रमितों के केस सामने आ रहे हैं। केरल सरकार ने सख्ती से कोविड गाइडलाइन को जारी किया है। केरल की सरकार ने भी प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए 72 घंटे के अंदर की कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु, राज्य सरकार ने कोविड गाइडलाइन को प्रदेश में जारी कर केरल से आने वाले यात्रियों के लिए अपने साथ कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने कोविड 19 टीके के दोनों खुराक ली जाने के प्रमाण पत्र को अपने साथ लाना अनिवार्य कर दिया है। हिमाचल प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों से हिमाचल प्रदेश की सरकार भी चिंतित है। हिमाचल प्रदेश में साल भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, ऐसे में राज्य सरकार ने भी कोरोना गाइडलाइन को प्रदेश में जारी करते हुए दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को कोविड ई पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।